हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपका क्लास और पहले इंग्लिश है आपका चैप्टर नंबर 9 दौसेकर एंड शाही। चैप्टर नंबर 9 दौसेकर एंड शाही, ठीक है। द उपेकर कंट्रोल कोडिंग पीईसी के एरिया, उपेकर मीन्स क्या बताया था, कट पड़वा एंड साहिल और साहिल, कट पड़वा और साहिल, ये रेशन का नाम है। और इसमें हमने आपको कहा पिछले वीडियो में गेट से, इसमें आपको हमने गेट से पिछले वीडियो में कराया था, वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सर्किल द ऑड वन आउट। यानी बेटा आपको जो है यहाँ पर जो निम्नलिखित स्टेप्स दिए गए थे, ठीक है, इन स्टेप्स में आपके एक वर्ड जो है उसका क्या बेटा दूसरे से डिफरेंट है, भिन्न है, ठीक है। आपको उसी डिफरेंट ऑड वर्ड जो ऑड है या डिफरेंट है उसे आपको क्या करना था, सर्किल में करना था, ठीक है। तो आपको एक तरफ क्लूज लिखे गए थे और एक तरफ जो है वो वर्ड लिखे गए थे ग्रुप में। स्टेट में पहला आपका था वुड पेपर क्रो लिजार पैरट एंड पिकॉक, ये था आपका। और यहाँ पे लिखा था बर्ड, इसके सामने क्लूज का शब्द था आपका बर्ड यानी पक्षियां, ठीक है, पक्षी। तो यहाँ तक था, इसमें आपको क्या था, वुड पेपर मीन्स कठफोड़वा ये पक्षी है, क्रो मीन्स कौवा ये पक्षी आपका, पैरट तोता पक्षी है, पिकॉक मोर आपका पक्षी है। और इसमें आपका दिया था लिजार, छिपकली, ठीक है बेटा। यहाँ पर छिपकली क्या था, लिजार क्या था, तो यह आपका जो है क्या था बेटा, पक्षी नहीं था। तो इसे हम क्या करेंगे, सर्किल में कर देंगे। पहले ग्रुप पहले जब प्रश्न था इसमें लिजार लिया था सर्किल में। बी था आपका काउ हॉर्स गोट फॉक्स मेलन एंड कंगारू, इसमें एनिमल्स सभी एनिमल्स थे और एक उनसे अलग था, भिन्न था, तो उसको आपको अलग करना था। तो इसमें आपका काउ हॉर्स गोट फॉक्स कंगारू या एनिमल्स है और मेलन जो है इसमें आपका मेलन मीन्स आपका तरबूज। तो इसमें जो है आपका यह क्या बेटा आउट आप वन आउट कर लेंगे, इसको जो विषम है उसको क्रॉस सर्किल में कर देंगे। इस तरह बलियान नीम पीपल मैंगो एप्पल ये ट्रीज थे और इसमें स्नेक या स्नेक स्नेक मीन सांप या जानवर था, तो इसे कर लेंगे। और टर्निप पोटैटो टोमेटो कैरेट जिंजर सब टॉपिक वेजिटेबल्स ये सभी वेजिटेबल्स हैं। और सनफ्लावर इसमें ऑड है, सनफ्लावर में सूर्यमुखी का फूल होता है, उसे जो है आप क्या करेंगे सर्किल में कर लेंगे। और लास्ट आपका था ई रोज लिली सनफ्लावर लोटस ये आपके फूल से फ्लावर से और पॉलीफ्लावर में सबका वो भी होता है, तो यहाँ जो है आपका यहाँ पर वेजिटेबल था इसलिए आपको पॉलीफ्लावर जो है जो होगा सर्किल में कर लेंगे, ठीक है बेटा। इस तरह से आपको ये जो है कंप्लीट कराया गया था। और आज जो है इसमें आपको पेज नंबर 47 पे ठीक जगह कैंसर का चेकअप में ठीक जगह कैंसर देखेंगे, पेज नंबर आपका 47, पेज नंबर 47 क्या कर दिया है कंपल्सर चेकअप ठीक डॉट करे कैंसर ए आपका ए ठीक डॉट करे कैंसर ठीक का करे कैंसर सही उत्तर जो है आपको सही उत्तर लगना है। फर्स्ट है आपका साहिल रेन कुमार वार, साहिल वेट फॉर वॉक, साहिल वेट फॉर वॉक इन द वुड्स विथ हिज इन द वुड्स विथ हिज वुड्स विथ हिज, ठीक है। साहिल जो है वेट फॉर वॉक इन वुड्स इन द वुड्स विथ हिज, इसके तरफ क्या रहता है वह जंगल में, उस का मतलब यहाँ पे जंगल से है, ठीक है। वह जो है टहलने गया था, फॉरवर्ड टहलने के लिए गया था इन द वुड्स जंगल में विथ हिज, इसके साथ अपने ब्रदर
father, and afternoon tea. Afternoon tea बेटा आपका sister. ठीक बच्चों, तो याद कर दिया था कि साई वेंट फॉर वॉक इन द वुड्स विद हिज, आपका ऑप्शन क्या होगा, बी फादर सप्लाई विद हिज फादर, ने पिता के साथ जो है चलने के लिए गया था, तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा फादर, ऑप्शन बी आपका राइट होगा फादर. नेक्स्ट बेटा आपका द साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम अ, साउंड वॉज कमिंग, द साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम अ, कमिंग फ्रॉम अ, ऑप्शन एट थ्री, ऑप्शन बी टेबल, ऑप्शन सी कार. ठीक है दोस्तों, द साउंड वाज कमिंग फ्रॉम ए, आवाज जो है आ रही थी कहां से, ठीक है, एक और आवाज आ रही थी और जो आवाज थी कहां से आ रही थी उसको आपको लिखना है. हमने पढ़ा था जो वह पक्षी था कठुआ वह पेड़ में ट्री में जो है क्या कर रहा था, होल कर रहा था, छेद कर रहा था, ठीक है, तो वह आवाज जो है साउंड जो है जब उसको होल कर रहा था तो उससे वो आ रहा था, तो पेड़ से आ रहा था, ठीक है, तो द साउंड वाज कमिंग फ्रॉम ए ट्री, टी आर ओ डी, आंसर ए, द साउंड वाज कमिंग फ्रॉम ए ट्री, आंसर ए आपका राइट आंसर होगा. थर्ड बेटा आपका द बर्ड वाज ए, द बर्ड वाज ए, the bird was a जो चिड़िया थी वो कौन थी, ठीक है, चिड़िया थी एक क्या था, एपीजे पी आई जी टी, पी आई जी टी ओ एल, पिजन यानी कबूतर, वो पक्षी कबूतर थी, बी उड़ते कर, ऑप्शन सी आता है क्या, ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखेंगे पहला आपका पिजन पी आई जी टी ओ एल, सेकेंड आपका उड़ते कर, एंड थर्ड बच्चा आपका क्रो, ठीक है, क्रो भी क्रो. जो बर्ड वाज ए, जो चिड़िया का जो पक्षी था वह क्या था, एक कबूतर था, एक उड़ते कर कठोरा था, और एक क्या एक क्रो यानी कौवा था, और उनको पढ़ा था ए उड़ते कर, वो क्या करता है, उड़ते कर था कठोरा था, ऑप्शन बी द बर्ड वाज ए उड़ते कर, ठीक है, द बर्ड वाज ए उड़ते कर पक्षी जो था एक कठोरा था. इसके बाद आपका दिया है टोन, टोन से बेटा आपका फोर्थ बेटा द वुड टेकर हैव CLAWPD, CLAWPD, 2,
T-O-E-S, toes. ठीक है, the woodpecker had crossed toes. ऑप्शन ए, टू कैच इंसेक्ट. इंसेक्ट E-I-S-E-C-T-S, इंसेक्ट, टू कैच इंसेक्ट. ऑप्शन बी, टू हैव अ फॉल. To have a fall, if I have to have a fall, grip of the tree. And last but not least, option C was asked to make hole. पंजे होते हैं, ठीक है, वो किस लिए होते हैं बेटा, टू कैच इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट, यानी कि आपका इंसेक्ट कुछ होता है, कीड़े मकोड़ों को पकड़ने के लिए. टू हैव अ फर्म ग्रिप ऑफ द ट्री, ट्री को, पेड़ को जो है एक ग्रिप की तरह, एक फर्म ग्रिप की तरह जो है पकड़ने के लिए जहां हम बैठते हैं उसके बाद टू मेक होल्स इन द ट्री. तो यहां पर क्या होगा, जो उसके क्लॉज टूज होते हैं उनका, वह जो है इजली आइदर साइड टू हैव अ फर्म ग्रिप ऑफ द ट्री, पेड़ को जो है मजबूती के साथ दोनों ग्रिप की तरह जो उसको पकड़ने के लिए होते हैं. टू हैव अ फर्म ग्रिप ऑफ द ट्री, ठीक है बेटा. इस तरह जो है आपको कंपल्सरी से कंप्लीट ए सी जब एक्शन कंप्लीट करेंगे एंड बी आपका है राइटिंग part 2 and M part 5 statements. Write key part 2. आपको सही के लिए जो टू स्टेटमेंट है उनके लिए आप ई लिखेंगे और जो आपके फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा उनके लिए आप ई एफ लिखेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट है आपका द वुडपेकर बिल्ड देयर नेस्ट, बनाते हैं इन द होल्स विल में, इन द होल्स विल में या छेद में,
दे में जो वे बनाते हैं, ठीक है, जो वे बिल बनाते हैं उसी में अपना घर बनाते हैं। रुपए का सर पड़वा ये बता का राइट अगर टू है तो आप तीन लिखेंगे और एफ पांच है तो उसके लिए आप जो है पांच लिखेंगे। नेक्स्ट आपका सेकेंड है वुड पेकर स्टोर उड़पेकर स्टोर देयर फूड इन द ट्री होल स्टोर देयर फूड इन द ट्री होल उड़पेकर जो कटवा होते हैं वे बेटा अपना भोजन स्टोर करते हैं इकट्ठा करते हैं इन द ट्री होल पेड़ों के होल्स में या बीज में या छेद में, ठीक है, अपना भोजन कहाँ इकट्ठा करते हैं पेड़ों के बीज या छेद में जो वे बनाते हैं उड़पेकर जो बनाते हैं उसी में अपना जो है पेड़ों में अपना भोजन स्टोर करते हैं। थर्ड आपका उड़पेकर बीबी बार बाउंड लाइन बेबी आर बॉर्न ठीक है उड़पेकर के जो बेबी होते हैं बच्चे होते हैं क्या होता है बॉर्न लाइन इंजेक्शन से होते हैं, ठीक है, बॉर्न लाइन ये आपको जो है कभी करना है। लास्ट होता है वो साहिल रिश्तो हो होम एंड ओपन टेलीविजन टेलीविजन to see how humans store their food साइन जिस होम साइन जो है घर पहुंचा एंड ओपन और जो है अपना टेलीविजन किया गया टीवी जो है ओपन किया खोला और उसकी जो देखा उनका हाउ ह्यूमन स्टोर ठीक है तो उसने क्या देखा बेटा हाउ ह्यूमन स्टोर देयर फूड की ह्यूमन जो है जो व्यक्ति है जो लोग हैं वह अपना भोजन कैसे रखते हैं कैसे स्टोर करते हैं, ठीक बेटा। तो यह जो है आपका ये जो आपके फोर्थ राइट थ्री पार्ट टू एंड एफ पार्ट फाइव क्वेश्चन दिए गए हैं ये आप जो बेटा होमवर्क रूप में स्वयं करेंगे, ठीक है बच्चों। और इसके बाद जो है आपका चैप्टर नंबर नाइन में नेक्स्ट आपका दिया है सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, सी आपका दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और डी आपका ग्रामर यूज किया है एडजेक्टिव ये सारी चीजें जो है नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। चलिए बाय बच्चों।